मैं हूं अंजुष्णी, स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अपने ही खेत में फसल काटने गए दलित किसान व उसकी बेटियों को दबंगों ने पीटा। अपने ही खेत में काम कर रहे दलित किसान के साथ करीब आधा दर्जन दबंगों ने की मारपीट, बेटियों सहित किसान घायल। पुलिस कार्रवाई करने के बजाय समझौता करने का बना रही दबाव। कई बार तहरीर देने के बावजूद पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई कार्रवाई, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों के डर से अपनी ही फसल नहीं काट पा रहे दलित किसान। आपको बताते चलें कि ताज़ा मामला यूपी के सीतापुर थाना इमलिया सुल्तानपुर के ढोलई खुर्द का है, जहां पर एक दलित किसान बटाई के खेत में सरसों बो रखी थी, जिसे काटने के लिए अपने खेत में पहुंचा, जहां करीब आधा दर्जन दबंगों ने दलित किसान व उनकी बेटियों पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, लात घूसों व लाठी डंडों से मारने लगे, जिससे किसान व उसकी दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई। डायल 100 की मदद से किसान व उनकी बेटियों की जान बच सकी। थाने में कई बार तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं दलित किसान अपनी ही फसल को काट पाने में असमर्थ है। किसान न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, वहीं दबंग ऐलानिया धमकी दे रहे हैं। सर सीतापुर जा रहे थे और पापा ने वो खेत बटाई लिया है, तो वहाँ लोग हम लोग चले गए, फिर वो जो खेत वाला था वहाँ आके और हम लोगों को मारा है और पापा को भी मारा है। और थाने गई? जी सर थाने गई। तो क्या बोले सर? कोई सुनवाई नहीं। किसने मारा था? गांव के कितने कौन लोग? सर वो जो उसका लड़का था उसी ने मारा, मेरा पैर पकड़ के खींच लिया, फिर ऊपर बैठकर और मारा। उसकी लड़कियां जो थी वो दबंग लोग? ये दबंग लोग? जी सर दबंग। कितने लोग थे सर? 4-5 लोग। आपका नाम? सारिका। यहाँ पे गन्ना बारिश है। अच्छा अच्छा, कौन लोग मारे ने? ठाकुर। नाम बताओ। शेर बहादुर सिंकल पुत्र जो है, लड़का मारे से और लड़की मारे से। यहाँ पत्नी पत्नी भी मारे से।